यहाँ पर मैंने पूछा नाम कश्माला बीबी ने। नाज़रीन, फाइनली मिस्टर एंड मिसेज नुशेरवा गजनवी ने हैप्पी मैरिड लाइफ शुरू कर ली है। ड्रामा सीरियल जानसार की बात करेंगे लेटेस्ट एपिसोड में। तो नाज़रीन, इतना मजा मुझे कोई नहीं आया, आप लोगों को आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आने वाली एपिसोड में बारकैफ बहुत कुछ होने वाला है। अगर लेटेस्ट एपिसोड में बात करें तो नाज़रीन, एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी, असलम करैक्टर मुझे कभी कभी इतना बुरा लगता है कि मुझे उसको कहने को दिल करता कि लाख की लाना तुम पर। नाज़रीन, अपनी बेटियों से, हमारा कल्चर, हमारे मुआशरे में बेटियों से तो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत किया जाता है, हमने तो यही देखा है। ये कैसा बाप है, वो बेचारी फिजा स्कूल से थकी हारी ससुराल वालों से, हस्बैंड से छुप छुपा के अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए आती है और असलम साहब आके उसको इतना रूडली बात करते हैं कि मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा कि आज के बाद तुम इधर आए, और तुम्हारे मियाँ की भी तोड़ दूंगा। वो खुदा का खौफ खाओ, कभी तुम उसको अपनी बीवी को बेटा ना होने के 100 दफ़ा ताने सुनाते हो देते हो और अपनी बेटी को कहते हो कि तुम ये हो, आवारा हो, ऐसे हो, वैसे हो। ऐसे बाप को तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोग ही फैसला करें कि ऐसे बाप के साथ क्या करना चाहिए। नुशेरवा साहब नाज़रीन काफ़ी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं, दूसरी तरफ फिज़ा बेचारी एक तरफ तो अपने, ना उसको बाप की सपोर्ट है ना उसको अपने ससुराल में सपोर्ट है, सवाए अपने ससुर के, ससुर उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसने इसको ऑर्डर भी दिए हैं फराज को कि इसको शॉपिंग के लिए ले जाओ। आने वाली एपिसोड में नाज़रीन बड़े चस्के आने वाले, 2-3 नई बातें होने वाली हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे तो फिज़ा ने रिदा को देख लेना है मॉल में और फराज ने तो उसके पीछे पीछे छुपना है क्योंकि उसको पता कि अगर मेरा पर्दा इधर से उठ गया तो फिज़ा ने तो शायद रिदा भी उसके साथ मिलकर मुझे थपड़ों थपड़ी कर दे, क्योंकि दुआ की ज़िंदगी ख़राब इसी नामाकूल, इसी बदबख्त इंसान ने की है फराज ने, इसका एक दिन अंजाम नुशेरवा ही करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, अगर आप देखें तो नुशेरवा जाफर को कह रहा है कि तुमने अभी तक मुझे उस बंदे का नाम नहीं बताया जिसने ये हरकत की है, पहले तो तुमने कभी इतना लेट नहीं किया। पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैंने तुम्हें कोई काम कहा और तुमने ना किया। तो अब वो बेचारा उधर की वफादारी भी करता है, हवेली की, नुशेरवा की भी करता है। बारकैफ नुशेरवा के कहने पे वो पर्दा तो उठा देता कि जी कश्माला बीबी। अब नुशेरवा का जो टेंपर होगा, अब वो जितना उसकी उसका बीपी शूट होगा वो तो आपको पता ही है क्योंकि वो तो ऑलरेडी कश्माला को पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ एक तो कश्माला ने टैग करवा लिया और ऊपर से कश्माला साहिबा आप क्या हरकत कर रही हैं कि उसकी बीवी को फ़ोन करके उसको थ्रेट कर रही हैं सिर्फ नौकरों के कहने पे। आप नौकर रानी से, वो आपकी जो मेड है आपको उकसा रही और आप तुम पढ़ी लिखी खानदानी लड़की हो कि उस मेड के, ये बड़ा सिस्टम है नाज़रीन। ये जो होती है ना घर की मेड्स होती हैं, ये अपना फ़ायदा लेने के लिए ना आपको बड़ा घर की औरतों को बदगुमान करती हैं, ये हकीकत है। और तुमने उसकी एक चुक चकैये में आकर तुमने उसको फ़ोन कर दिया कि तुम थ्रेट कर रही हो दुआ को फ़ोन कर, अब नुशेरवा तुम्हें कहाँ पे माफ़ करेगा। बारकैफ नाज़रीन, आने वाले एपिसोड में ये 2-3 चीज़ें होने वाली जो आपने प्रोमो में भी देख ली है, ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप ये ड्रामा देख रहे हैं, आपने छोड़ छाड़ दिया या दीवानगी की यादें आपके आपको अभी तक दीवाना कर रही हैं। बारकैफ ये ड्रामे की कोई कोई एपिसोड स्लो हो जाती है लेकिन आने वाली एपिसोड मज़ेदार हो जाएंगे क्योंकि अभी फ्राज के जब पर्दे उठने हैं, जब नुशेरवा ने सबसे बदला लेना शुरू करना है तो इस ड्रामा इंटरेस्टिंग हो सकता है। आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते किसी अगले एपिसोड में। अल्लाह।